हे फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। मैं हूँ एनवीटी, आपके लिए लेकर आई हूँ पैंटी। आपको किस तरीके से परचेस करना चाहिए और उसमें क्या देखना चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल लगे। एंड लोग डिसीजन लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ऐसा कभी कभी किसी के साथ हो जाता है जिसमें पैंटी वो कंफर्ट फील नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे दो पैंटी आपको दिखाने वाली हूँ जो कि उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पैंटी आपको लेनी चाहिए एंड पैंटी में क्या क्वालिटी होती है। यहाँ पे एक पैंटी आपको दिखेंगे इस तरीके से एंड दो टाइप से मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ब्रांड्स जो हैं वो तो हैं ही, जो भी आपको परचेस करना चाहिए वो आप कर सकते हो, लेकिन पैंटी की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी जो है वो आप देखे रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट परचेस में। यहाँ पे ये मैं कॉटन सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह के पैकेज रहते हैं इसको और इसके कपड़े आप देख ही रहे हैं, फुल कॉटन है और इसकी जो इलास्टिक है यहाँ पे वो भी बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है। बहुत में ऐसा होता है ना, यहाँ पे जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिलाई चुभती है और बहुत ही अजीब लगता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कमर की साइज़ में वो भी बहुत ही हार्ड लगता है, तो इसमें बहुत ही ढीला है, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस तरह की पैंटी आपको लेनी चाहिए। और इसमें आप कपड़े की पहचान करने वाले हो, जैसे कि आप कपड़े सोचते हो कि कौन सा लें, मतलब दिखता है अगर आपको अच्छे में तो आप ये सोचते हो बहुत पतला है यार। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पतले कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं और लोगों को लगता है कि मोटा कपड़ा यार वो बहुत ही सही रहता है, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, सही रहेगा, वो फटेगा नहीं। तो फटने वाली तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं पैंटी में। और ये आप कपड़े की पहचान ऐसे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे फैलाओगे तो स्पेस होती है, वो कितना स्पेस लेता है। एंड ये जो होता है स्ट्रेचुअल होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेचुअल में कुछ पैंटी ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा उधरी उधरी लगती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पेस टाइप में दिखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पैंटी बहुत ही कम्फर्ट होती है, तो आपको इस तरह के पैंटी कॉटन में ले रहे हैं तो परचेस कर सकते हैं। एंड इससे भी ज़्यादा स्मूथ आपको चाहिए, सॉफ्ट चाहिए एंड जो होता है ना दाग धब्बों वाली प्रॉब्लम कि आपको इसमें सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो मैं आपको बता दूं। गाइस, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि बहुत ही टाइम लगता है इसे रिमूव करने में। जैसे आप कपड़े साफ़ कर रहे हो तो ऐसे पीरियड में होता है ना कि दाग धब्बे लग जाते हैं, तो साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो ये इस तरह के न्यू कपड़े जैसा नहीं रहता। अगर हम इस पैंटी को देखते हैं, ये वाले पैंटी में, तो इस पैंटी में क्या होता है कि ये गेथिस इसकी जो है वो कमर की बहुत ही सॉफ्ट है एंड थोड़ा सा आपको दिखेंगे चौड़े में है। उसके साथ यहाँ पे इसका जो गेथिस होता है ये आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छी और स्मूथ सिलाई है, कपड़े के हिसाब से है, आपको लगेगा जैसे एक कपड़ा ही है, कोई गेजिस वगैरह नहीं है। और स्ट्रेचुअल तो ये भी होता है, आपको ये बहुत ही पतला लगेगा इस कपड़े के अकॉर्डिंग, ये कपड़ा बहुत ही पतला लगेगा, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत चलता है, बहुत स्मूथ रहता है, बहुत लोगों को पसंद भी आता है। बट इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन प्राइस पर मत जाइए क्योंकि आपको इनरवियर ख़रीदना है, लेना है, तो ये कंफर्ट फील रहे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको देख लेना है कि ये सही है कि नहीं। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेन पॉइंट पर जो है कि आपको यहाँ डबल कपड़े दिखेंगे, ऐसा सब में होता है, लेकिन अब यहाँ पर अगर दाग धब्बों की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही स्मूथ रहती है और बहुत ही अच्छे से निकल जाए, आपको ब्रश भी नहीं लगाना पड़े। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि ब्रश लगाने से बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, ऐसा करते हैं इस वाले में, लेकिन कपड़े जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है एंड इस कपड़े की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। और इसमें भी कई क्वालिटी का आते हैं, एक तो आता है इससे हल्का आता है, वो कपड़े रहते हैं मोटे और उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको ये सजेशन में कहूँगी जितना हल्का कपड़ा जितना पतला कपड़ा रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत स्मूथ रहता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। एंड गाइस, आपको भी अगर परचेस करना हो तो ब्रांड्स में भी ये पैंटीज आते हैं, आप उसमें से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल तरीके से आप मार्केट से परचेस कर रहे हैं
तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख कर परचेस कर लीजिए। एंड प्राइस में बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो 50-100 रुपीज़ में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। एंट्री पैकेज का पैकेज ये रहता है, तो ये आप पूरा पैक लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा और बेनिफिट भी रहता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको मार्केट मिल जाएगा। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। ओके बाय।